შემდეგ უნდა დავუმატოთ ყველა მესაჯი, ამიქი მომის მოიცავს საერთოდ. შემდეგ უნდა დავუმატოთ ყველა მესაჯი, ამიქი მომის მოიცავს. Okay, so we have a message. मैंने सडनली ना अपना फ़ोन देखा और 74 बैटरी और टाइम भी 47. So I was like, okay, शायद there is a connect. Give me just one second, guys. Okay, so यहाँ पर अगर if I take hermit as a Hermit Dumpty गिर गया. If I take Hermit as just a confirmation that Sushant wants to connect, तो यहाँ पर एक decision making हो रही है and that decision making is related to devil or that decision making is related to some people जो किसी भी तरह से stuck हैं किसी चीज़ में, या that decision making is related or announcement is related to कोई ऐसा काम जो किया जा रहा है कुछ लोगों को stuck situation से निकालने के लिए, या कुछ लोगों को devil के under जिन्होंने surrender किया है उनको वहाँ से निकालने के लिए. वाई आई एम सेइंग निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे डेड कमिंग अलाइव की एनर्जी है. लोग अपने कॉफिन से बाहर निकल रहे हैं या कॉफिन से जाग रहे हैं. तो यहाँ पर एन एंजल हैज कम और लोग अपने कॉफिन से बाहर आ रहे हैं. और यहाँ पर मुझे क्योंकि ओ वाओ थैंक यू सो मच, यहाँ पर थैंक यू बेटू, थैंक यू. अभी बैठ के मम्मा नहीं कर सकती ऊपर, क्या रहा 2 मिनट. सो यहाँ पर डेविल और डेविल के साथ में लोग स्टक होना कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है दैट कुछ स्टक सिचुएशंस या कुछ स्टक लोगों पे जो पास्ट की हैं, जो पास्ट से बहुत पहले मतलब जो कॉफिन में दबा दी गई थी वहाँ से रिलेटेड किसी चीज़ को निकालने पे वर्क हो रहा है. आई वांट टू क्लेरिफाई दिस डेविल, सो लेट मी सी. ओके नॉट फ्रॉम हियर, लेट मी. मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरे पास कार्ड्स भी कम हैं यहाँ पे, ओनली 3 sets आई हैव. सो जो है उसके साथ आई विल ट्राई. सो लेट्स सी, आई वांट टू कंफर्म, आई वांट टू क्लेरिफाई. सो सुशांत इफ यू कैन जस्ट क्लेरिफाई दीज 3 व्हाट दे आर सेइंग. सुशांत कैन वी गेट सम मोर क्लैरिटी, व्हाट इज विद द डेविल, व्हाट इज हैपनिंग एंड ओके व्हाट इज विद द डेविल. डेविल सी अगेन डेविल, वट इज विद द डेविल. इट इज़ लाइक आग लगाई जा रही है ताकि डेविल जो है वो अपने आग लगाई जा रही है ताकि डेविल जो है वो अपनी हाइडिंग से बाहर आए. क्योंकि अगर ये कार्ड देखोगे तो इस कार्ड में लोग जो हैं जंगल में आग लगा रहे हैं ताकि जंगल से ये जो जंगल में छुपा हुआ सांप था वो बाहर आए, या ड्रैगन जो जंगल में छुपा हुआ था वो बाहर आए और उसको आग लग गई है तो वो बाहर आ रहा है. और यहाँ पर अगेन जजमेंट की एनर्जी है, समथिंग कमिंग आउट डेफिनेटली. और डेविल का कॉन्फर्मेशन, फिर से डेविल आया है, इट इज़ डेफिनेटली ब्रिंगिंग द डेविल आउट बिकॉज दैट इज ओनली वेयर द विश फुलफिलमेंट एंड विक्ट्री विल हैपन. एंड दैट इज ऑल्सो जहाँ पर डिसगाइज से जो एक्चुअल एनर्जी है, एक्चुअल ट्रुथ है, वो बाहर आएगा. दिस इज अगेन पीपल हु आर स्टक, जो डेविल एनर्जी के अंडर तक हैं, 5 of Swords है, जो परेशान हैं क्योंकि किसी नेगेटिव पर्सन ने या किसी नेगेटिव सिचुएशन के कारण उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है. बट इफ़ यू सी द स्टैंड हैज़ बीन टेकन, यहाँ पर जो जो अकेलापन था या जो अनक्लैरिटी की एनर्जी थी या जो पेन और प्रॉब्लम की एनर्जी थी, इट इज़ कमिंग टू एन एंड. यहाँ पर पेशेंस पेइंग ऑफ और जो स्लीपलेसनेस, जो एंग्जाइटी थी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ट्रुथ्स बींग हिडन, वो महाभारत जो हैज़ स्टार्टेड एंड हु इज़ द लीडर, किंग ऑफ सोर्ड्स. सो यहाँ पर मतलब बिल्कुल क्लियर एनर्जी है दैट, मतलब मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे ही सेंग, क्योंकि ये महाभारत का कार्ड है, जहाँ पे ही सेंग के जो छुपी हुई महाभारत चल रही थी, जो पुरानी जो आकाशवाणी थी कि मैं हर बार आता हूँ, वो आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. और वो लिटरल एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग कार्ड्स पे दिखाई दे रही है. एंड इट इज़ लाइक हैव पेशेंस बट हैव बिलीव इन योर सेल्फ. और कई बार कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत कम समझते हो, इस कार्ड में स्टोरी ही यही है कि इसमें दो मतलब बहुत सारे गॉड्स होते हैं और उनको सन बन के एक प्लैनेट को चलाना होता है, बहुत सारे फेल हो जाते हैं और एक जिसको सबसे कम समझा जाता है, जिसको लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपनी बलि देता है या वो आग में कूद जाता है एंड ही बिकम्स द सन एंड वो सबसे बेहतर सन बनता है. एंड दैट इज दैट एनर्जी. दिस इज ऑल्सो लाइक अ सन एनर्जी, लाइक अ चाइल्ड एनर्जी. क्योंकि यहाँ पर अ किंग वॉज टोल्ड कि एक बच्चा, ये बच्चा जो है ये बड़ा होकर इस किंग को मार डालेगा. इट इज़ लाइक कंस एंड कृष्ण की स्टोरी समझ लीजिए. तो वो इस बच्चे को मारने की भरपूर कोशिश करता है बट अल्टीमेटली the truth
विल कम आउट, द सीक्रेट्स विल कम आउट एंड द महाभारत विल हैपन और द वॉर विल हैपन एंड अल्टीमेटली देर इज अ किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी हु इज कमिंग आउट एज अ विनर और हु इज कमिंग आउट एज प्रोटेक्टिंग एवरीबडी एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट ही इज गिविंग क्योंकि उन्होंने दो डेविल कार्ड एक साथ दिए हैं एंड ही इज लिटरली शोइंग दैट समथिंग बिग लाइक लिटरली वेरी बिग इज हैपनिंग विच इज ब्रिंगिंग इन अ न्यू बिगिनिंग और विच इज ब्रिंगिंग इन अ न्यू एनर्जी. पेशेंस डेफिनेटली बींग पेड ऑफ, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एंड आई कैन सी हिम ब्लाइंड फोल्ड्स बींग रिमूव्ड, पेशेंस बींग पेड ऑफ और दिस इज 7-2 एंड दिस इज 5-4. सो मुझे मतलब लिटरली 9 की एनर्जी, 7, 8, 9 की एनर्जी दिखाई दे रही है. 99 इज लाइक वेन द काउंटिंग इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट एंड 9 इज ऑल्सो कम्प्लीशन एंड यहाँ पर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अभी भी देख सकते हो, शी इज अलॉन्ग विद किंग ऑफ कप्स. सो बेसिकली कब्जे में आ जाना किसी का, तो मुझे लिटरली डेविल के लिए बहुत बुरा टाइम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक द शुरुआत हैज हैपेंड एंड देर माइट बी सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग समथिंग या रिगार्डिंग सम पर्सन. कोई अनाउंसमेंट जो है वो होने वाली है जो किसी को स्टक सिचुएशन से बाहर लेकर आएगी या किसी भी तरह से डेविल को या नेगेटिव लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर करेगी. सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड और कोई मैसेज होगा तो आई विल पुट इट अक्रॉस. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.